इंडियन होटल्स इसको पहले, और अब तो टेक्निकल पैटर्न भी काफी बढ़िया है इन स्तरों पर, करेक्शंस पर इंडियन होटल में एक्युमुलेशन की राय है, और ये स्टॉक भी अच्छी खासी रीरेटिंग का कैंडिडेट है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर। तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, स्टॉक में भी कंसोलिडेशन पूरा हो गया है, और हमें उम्मीद है कि इसमें जैसे ही और ओपनिंग अप होती है सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन होटल्स होगा। खरीदारी करके चलें, हमारा जो टारगेट है वो लगभग 170 से लेकर के 190 रुपए के बीच में है, तो 170 टू 190 के लेवल्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत लंबे समय में नहीं, मीडियम टर्म में ही ये लेवल्स आने चाहिए। फ्री लाइट पसंद है मुझे, इसका 2340 का कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है, लगभग ये 64 रुपए के आसपास मिल रहा है, 2340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 64 के आसपास मिल रहा है, इसको खरीद कर चलना है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रखना है 46 का एक स्टॉप लॉस रखिए अनिल जी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट उल्टा यू नो डिजिट्स हो रहे, 64 के आसपास खरीदना है, 46 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड जो इनिशियल टारगेट्स इसके बनेंगे वो है 82 एंड सेकंड टारगेट बनेगा 95, ये दो टारगेट्स के लिए खरीद कर चलना है पीडी लाइट, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से आज ये स्टॉक में रिकवरी आई है फिर से एक लाइफ टाइम हाई लगाने को रेडी है ये स्टॉक, सो और अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है।